अज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं निधिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकातन्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी प्यारे वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में आपका सबका जो ये भाव है, अनुराग है, रुचि है, उसको हम धन्यवाद देते हैं, सराहना करते हैं। कलयुग में श्री कृष्णा श्री हरि शीर सिंधु से निकलकर भागवत सिंधु में आ गए। उद्धव जी के सामने भगवान ने कहते हुए प्रवेश किया, स्वकीय यद भवेत् तेज तश्च भागवते ददात्। भगवान ने अपना संपूर्ण शक्ति तेज श्रीमद् भागवत में रख, इसलिए जो भागवत सुनता है वो भगवान का प्यारा हो जाता है। देखो, महत्व का होना ये अच्छा है, लेकिन अच्छा होना ये ज्यादा महत्व का है। आजकल सब लोग क्या कहते हैं, VIP बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वैष्णव बनना चाहते हैं। और वैष्णव वास्तव में VIP पर्सन है, वैकुंठ का। इसीलिए
हमें दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, हमें दिव्य जीवन चाहिए। और श्री कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन सेवा में जब हम रहते हैं तब हम माने या न माने लेकिन दिव्य होते हैं, साधारण नहीं होते। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इस बात को प्रूफ किया है। वो एक जगह लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति सुधा पानी देह देहिक विस्मृते तेषां भौतिक देहो अपि सच्चिदानंद रूपता। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सुधा पानी, जब हम कृष्ण नाम संकीर्तन या कृष्ण कथा का पान कर रहे होते हैं अर्थात श्रवण कीर्तन करते हैं तो उस समय कभी कभी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कितना बजा, कहाँ बैठे हैं, क्या काम है। ऐसा कभी कभी आप भक्तों को होता होगा। फिर कथा पूरी होने के बाद पता चलता है अरे एक घंटा हो गया, अरे मुझे तो ये काम था। लेकिन कथा के शब्दों में वक्ता एक वैष्णव गुरु अपनी भक्ति के शक्ति से हमें भगवान की ओर ले जाता है। जो मन मंदिर में होते हुए, हाथ माला में होते हुए, मुख में महामंत्र जपते हुए भी मन भगवान में नहीं लगता, आप सबका ये स्थिति परिस्थिति होता होगा। लेकिन किसी शुद्ध भक्त जब भागवत से श्लोकों के रस अनुसार कथा कहना चालू करता है तो हमारा मन अनायास अपने आप इंटरेस्टेड, क्योंकि आगे क्या होगा और क्या है इसमें, ये लग जाता है। और उस समय हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या पहना है, क्या काम है। ये आप लोगों को भी ये कभी कभी तो अनुभव हुआ होगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सुधा पाने देह देहिक विस्मृते तेषां भौतिक देहो अपि सच्चिदानंद रूपता। तो वो भक्त भौतिक देह में होते हुए भी सच्चिदानंद है क्योंकि वो अपने स्वरूप कार्य में लगा है। इसके लिए एक भौतिक दृष्टांत दिया जाता है कि मान लीजिए आग है और उसमें आप किसी लोहे के हथियार को, सलिया को रख दीजिए, आधा घंटा अगर वो दहक की आग में रहेगा ना तो वो लोहा भी आग बन जाएगा, और जो आग काम करती वही लोहा, बल्कि उससे ज्यादा काम करता है क्योंकि वो लोहा नहीं रहा, वो आग बन चुका। ऐसे ही कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण चिंतन सब ट्रांसेंडेंटल दिव्य है, और जब हमारे मन वाणी को हम उसमें लगाते हैं तो हम भी साधारण नहीं रहे। इस बात पर हमें विश्वास करते हुए भक्ति साधना में आगे बढ़ना चाहिए। तो सर्व वेदांत वित कोट्या विष्णु भक्ति विशिष्यते। ये जितने भी वेद पंडित ज्ञानी स्कॉलर है, कोटि ज्ञानी मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त चैतन्य चरितामृत में आया। तो विष्णु भक्त की बड़ी महिमा है। और भक्तों, ये जो वसुंधरा है उसकी सच्ची सुधा तो कृष्ण कथा, और जो कृष्ण कथा हमें कृष्ण धाम, कृष्ण शरण, कृष्ण प्रेम की यात्रा कराती। इसलिए आप सभी वैष्णव भगवान गुरु चरणों में एक ही मांगना चाहिए जो ध्रुव महाराज ने मांगा है भागवत में, भक्ति मोह प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमलाशयानाम एनां जसो उल्बणम गुरु व्यसनम भवाति निश्चय भवत गुणतथा मितपान मत। देखो, भगवान से भगवान का धाम न मांगकर भगवान के भक्तों के संग में कथा मांगा। अरे भगवान स्वयं तरसते हैं अपने भक्तों के मुख से अपनी कथा सुनने के लिए, तो बड़ी महिमा है। और शिल प्रभुपाद और वैष्णव गुरु जनों की कृपा से हमें ये दिव्याति दिव्य मानव जीवन का सर्वोच्च सार फल कृष्ण प्रेम भक्ति देने वाला भागवत सत्संग प्राप्त हो रहा है। और ऐसे आयोजन करने वाले, कहने वाले, इसकी व्यवस्था करने वाले सभी भक्तों के प्रति हमें दास दासानुभाव रखते हुए, महत्व देते हुए, कृतार्थता कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए
श्रद्धा आदर समर्पण से भागवत सुनना चाहिए, तब भागवत ग्रंथ और भागवत भक्त की कृपा से हमें ये भक्ति रस प्राप्त हो सकता है। श्री उद्धव जी ब्रज की यात्रा कर रहे हैं और ब्रज में भेजने वाले श्री कृष्ण है, और ब्रज में जाने की इच्छा या पहुंचना ये किशोरी जी श्री वृषभानु नंदिनी की कृपा के बिना असंभव है, और श्री उद्धव का ये परम सौभाग्य उदित हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण मथुराधीश उद्धव के हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए कह रहे हैं और भेज रहे। तो भगवान भेजने से पहले संदेश दे रहे, सावधान भी कर रहे हैं, मतलब किसी पात्र को तैयार करना किया जाता है ना कुछ वस्तु प्राप्त करने के, तो सबसे बड़ा पदार्थ है प्रेम, और उस गोपियों के द्वारा जो प्रेम रस उद्धव को मिलने वाला है तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को पात्रता प्रदान कर रहे हैं कि तुम कैसे क्या क्या क्यों क्या करना है, कैसे जाना है, क्या कहना है, क्या करना है, ये सब भगवान बता रहे हैं। और अंदर से भगवान को पता है कि इनका क्या हाल होने वाला है उद्धव जी का। तो आइए छठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं, पांच तक हमने कुछ शब्दों की व्याख्या की थी। भागवत 10:47-46 और श्लोक संख्या 6, 10:46-6। धारयन्यपि कृच्छेन प्राय प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिका। हे उद्धव, प्राय अतिकृच्छेन प्राणान् धारयति, ये जो मेरी ब्रज की गोपियां हैं वो अति कष्ट के साथ अपने प्राणों को धारण किए हुए है, अर्थात मेरे विरह में जीवन असंभव है उन लोगों के। लेकिन तिस पर भी कथनचन, कथनचन शब्द का अर्थ किसी प्रकार कैसे भी करके जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से, कहने का अर्थ बड़ी मुश्किल से। कथनचन शब्द पर एक विद्वान वैष्णव सुना रहे थे कि एक बार श्याम सुंदर से ललिता मिलने गई, तो ललिता जी को मतलब जब मथुरा नहीं गए थे इसके पहले, तो कुछ टाइम दिया था मिलने का कुंज में, और भगवान देर से पहुंचे इसलिए वृषभानु नंदिनी नहीं आई मान के पुष्पित होकर। तो भगवान ललिता जी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी स्वामिनी जो राशेश्वरी जो का क्या हाल है। तो ललिता जी कहती है कि बस जी रही है। तो भगवान ने कहा, अरे मैं तुमको उनका समाचार पूछ रहा हूँ, तू ऐसी अशुभ बातें कर रही कि जी रही है बस उदास होकर। तो ललिता जी ने कहा, ना कहा ना आपसे प्रियतम कि बस जी रही है। तो श्याम सुंदर ने फिर पूछा कि अरे खा रही है, पी रही है कि सो रही है कि क्या कर रही है, मेरे को बताओ। तो ललिता जी ने कहा, छोड़ो वो सब बातें, बस कहा ना आपसे कि वो जी रही है, मतलब क्या है आपका कहने का। तो भगवान ने जब पूछा तो ललिता जी ने कहा कि वो जी वो श्वास ले रही है आपके आपके देर होने में आने में, क्योंकि आपने वादा किया था इस समय इस स्थान पर मिलेंगे और आप नहीं आए, तो युगायितम निमिषेण जो भाव है गोपी नाम परमानंदम आसित गोविंद दर्शने क्षणम च युग शतमिव यासाम येन विनाम गति क्षणम युग शत इव। ध्यान दीजिए संस्कृत शब्दों पर, एक क्षण भी गोपियों का कृष्ण के दर्शन के बिना शत युग इव जाकर 100 युग के समान बीतता है। उसी भाव को महाप्रभु चैतन्य ने गंभीरा में शिक्षाष्टकम में रखा है, युगा इत निमिषे चक्षुषा प्राब्रिशा इतम। और अब देखो ललिता जी कह रही कि ये दशा आपके जरा सा दर्शन विलंब में जीना मुश्किल होता है, और एक एक क्षण युग जितना बीतता है गोपियों,
अब ये बातें आप लोग कहीं पहले भी सुने होंगे भक्तों, और अभी भी हम स्मरण कर रहे हैं प्रसंग के अनुसार, लेकिन हम सबको इस बात का अनुभव नहीं है कि एक क्षण युग जैसा कैसे हो सकता है। जस्ट बस सुनने के लिए हम सुन लेते, लेकिन इस पर चिंतन करो। हाँ, कभी कभी हमारा क्लास का टाइम पूरा हो गया, फिर भी वक्ता क्लास खींचता रहता है। इस्कॉन के वक्ता बड़े उदार होते हैं, और माइक्रोफोन को आइसक्रीम कौन समझ कर खाते ही रहते हैं, हमने देखा। और उस समय प्रसाद सामने दिखता है कि टेबल काउंटर लग गया, और उस समय हमको लगता है युगायतम निमिषेण, और कई कई तो श्राप भी देते कि इसको बोलो कोई समाप्त करे। और हमारा हम महाप्रसाद के लिए कभी कभी युगायतम हुआ होगा, लेकिन कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण दर्शन के बिना युगायतम, ये तो गोपियों का अनुभव है ना। तो हम लोग बस चर्चा कर रहे हैं, ये एहसास नहीं है, ये अनुभव नहीं है। हमारा अनुभव क्या अनुमान भी नहीं हो सकता कि हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ये तो बस प्रेमी की गति, घायल की गति कोई घायल जाने, रसिकन की बात कोई रसिक बिना समझ सके ना। ऐसे गोपियों की दशा गोपिया ही जानती है, या गोविंद जानती है, या फिर इनकी कृपा पात्र कोई गुरु जानता है, और वो कृपा करके बताता है, तब कुछ कुछ हमारे पल्ले पड़ता है। एनीवे, कथन चैनल पर दास निवेदन कर रहा है। तो ललिता जी ने कहा कि बस कैसे भी जी रही है। तो फिर भगवान ने पूछा, कैसे जी रही, किस आशा से? यहां पर भी मानो उद्धव भगवान को वो लीला स्मरण आ गई कि मेरे जरा सा विलंब और अदर्शन से जिनकी ये दशा होती है, और मैं कई दिन बीत गए, मेरा मिलन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, तो गोपियों की क्या दशा होती हो। धारयति प्राणान कृच्छेन, बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण धारण किए हो। लेकिन मानो उद्धव जी आप पूछे कि कैसे, जैसे वहां ललिता जी को भगवान ने पूछा था कैसे, तो ललिता जी ने कहा था एकमात्र कारण प्राण धारण करने, आपके प्रेम ने, विरह ने वो जी नहीं सकती, मर ही जाती गोपी जन, लेकिन फिर भी प्राण धारण की है, किस कारण से? तो कहते हैं प्रत्यागमन संदेश, प्रत्यागमन, आप वापस आओगे ऐसा आपने संदेश दिया है। अक्रूर जी जब रथ पर कृष्ण बलराम को ले जा रहे थे, आयास्य दौत्य के दूत के द्वारा भगवान ने कहा था गोपियों को कि कह दो मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा प्रत्यागमन, एक एक वाक्य, एक वचन पर गोपी जनों का विश्वास है। देखो भक्तों, प्रेम की कोई पूछे कि प्रेम के माता पिता कौन है, तो एक ही जवाब होगा विश्वास। प्रेम का बाप विश्वास, क्योंकि प्रेम जिस पर भी होगा, जिससे भी होगा, उस पर विश्वास होगा, और विश्वास एक बार टूट गया ना, तो प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नैतिक बात। इसीलिए प्रेम के पिता कौन है अगर पूछा जाए तो क्या है? विश्वास। और गोपियों का प्रेम है, और भगवान ने कहा था आऊंगा, तो आपका आने का जो एक आशा है, इसीलिए बड़ी मुश्किल से, कष्ट से प्राण धारण की हुई है। इसलिए भगवान यहाँ पर उद्धव को संदेशा भेज रहे हैं कि मेरे आने के एकमात्र संदेश के कारण वो प्राण धारण किए हुई की हुई है ये ब्रज की गोपियां। अच्छा, बड़े कष्ट के साथ प्राण धारण किए और भगवान आएंगे, इस विश्वास से प्रत्यागमन संदेश है, प्राण धारण की हुई है। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप सभी भक्त इस प्रसंग को, इस श्लोक के शब्दों के अर्थ भाव रस को समझ रहे होंगे। एक और बात हम इसमें ऐड करेंगे, एक भाव को जो भागवत का ही है और गोपियों का ही है। जैसे गोपी गीत का प्रथम श्लोक है, त्वयी त्रिता सव त्वां विचिन्वते, उसकी टीका में सारा दर्शिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक लिखते हैं, आप लोगों ने कहीं सुना पड़ा, अध्ययन किया होगा। तो कैतव रहित प्रेम न भवती मानुष लोके, इस संसार में मनुष्यों में कैतव मतलब कपट अर्थात स्वार्थ, कोई भी
कपट रहित या स्वार्थ के बिना प्रेम नहीं करता। प्राय कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई इच्छा, कपट कुछ तो रहता ही, अभी नहीं है तो बाद में होगा। संसार के संबंधों में ये देखा जाता। लेकिन अगर कैतव रहित यदि भवति तस्य किम विरह, और अगर कपट शून्य, स्वार्थ रहित और सच्चा प्रेम है तो एक प्रमाण है कि उसका कभी विरह नहीं। और यद किंचित विरह हो जाए, सच्चे प्रेमी अगर बिछड़ जाए, क जीवती, तो वो जी नहीं सकते। फिर आप लोग संसारी वस्तु मत याद करिए, लेना बजनू, हीर रांझा, सर फराशरी, ये भी है, इनका भी यही हाल हुआ है। लेकिन फिर भी वो प्रेम जो है वो दैहिक धरातल पर था, और कृष्ण विषय नहीं होने के कारण अंततः वो काम था। लेकिन वो लौकिक काम गंध युक्त संसारिक प्रेम में भी जिया नहीं जाता। तो आप विचार करिए, नित्य सत्य प्रेम संबंध जिस ब्रज गोपियों का श्याम सुंदर से है, वो कैसे जी सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और छोटा सा साक्षात वात्सल्य रस का दृष्टांत दूं। इस संसार में माता पिता अपने छोटे बच्चे को, खास करके माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, उसका मल मूत्र भी साफ करती है, उसको कोई घृणा नहीं होती, शौक से करती है, कर्तव्य समझ के, और उसको नहलाती धुलाती खिलाती, कितना ध्यान रखती है, उसको चूमती है, बड़ा प्रेम दुलार देखा जाता है। जबकि सब जानते हैं कि ये हाड़ मांस का चर्म है, जिसको चूम रहे वो चमड़ा है, वो गाल, उसके अंदर खून है, उसके अंदर हड्डी है, उसके अंदर मल मूत्र है। लेकिन बाह्य जो मोह प्रेम नहीं, वो मोह है या काम है, लेकिन चलो प्रेम संज्ञा दे देते हैं वात्सल्य रस में, मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, हम लोग यूज भी करते हैं। तो देखिए, एक चमड़े के हाड़ चरम का जो ढेला है जिसमें मल मूत्र भरा है, ऐसे शरीर को भी देखने से, इसको छूने से आनंद होता है, उसके बिना रहा नहीं जाता। तो फिर आप विचार करें, हाड़ माल मल मूत्र बिल्कुल नहीं है, सच्चिदानंद कृपा प्रेम का साक्षात माधुर्य रस का विग्रह श्री कृष्ण, उस पर माँ यशोदा का कितना भाव प्रेम स्नेह होता होगा, जस्ट अमेजिंग। आप कल्पना करें, एक लौकिक शिशु में जो आज बेटा है कल नहीं रहने वाला, और उसमें भी हाल हाड़ मास, फिर भी अपनापन, आसक्ति, चुंबना, क्या क्या, और उसके इतनी योगक्षेम की चिंता होती। तो कृष्ण तो हाड़ चरम है, और आज बेटा बना कल नहीं बनेगा, ऐसे नित्य बेटे, तो उसका कितना प्रेम होता होगा। मैं ये कह रहा हूं कि संसार की थर्ड क्लास वस्तु में और झूठे संबंधों में भी इतना मोह प्रेम है। तो आप विचार करिए, ब्रज की बात हो रही है, मैं केवल कैमुत्ति न्याय से कह रहा हूं कि इसमें इतना है तो उसमें कितना होगा, इस भाव से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप भक्तों को। तो चक्रवी ठाकुर वहां लिखते हैं, और ये बात किसकी हो रही, गोपी की। गोपी शब्द का एक गो भी इंद्रिय कृष्ण रस पीवती, गोपी शब्द किसी स्त्री विषयक या किसी गोकुल गांव की नारी विषयक मात्र मत लीजिए। गोपी, गो मतलब इंद्रिया, 10 इंद्रिया है ना शरीर में, और सर्व इंद्रियों से जो केवल कृष्ण रस पीती है, गो भी इंद्रिय कृष्ण रस पीवती, पी मतलब पीना, स गोपी जिनका रोम रोम कृष्ण को समर्पित है। योग कहाँ राखी यहाँ, रोम रोम शाम है कहने वाली ब्रज गोपिया, कैसे प्राण धारण करती हो, निश्चित मेरे आने के एक संदेश मात्र से, इसलिए हे उठो, तू मेरा ये संदेश लेकर जाओ ब्रज गोपियों के पास। और अंदर से तो हमने कहा भगवान का भाव था कि तुम क्या संदेश का, और पूरी दुनिया जानेगी कि प्रेम क्या होता है। और प्रेम में विप्रलम विरह जो अभी गोपियां अनुभव कर रही है। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि भाई इतने सच्चे प्रेमी है तो इतना विरह क्यों। लेकिन भक्तों, आप लोग वैष्णव आचार्यों का आश्रय लेंगे ना तो इस लेवल तक पहुंचेंगे हम लोग, धीरे धीरे समझेंगे। क्योंकि रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जो एक होता है संयोग और एक होता है वियोग, है ना, संयोग और वियोग। तो प्रेम का अंग है विरह, ध्यान दीजिए, प्रेम के दो अंग है, संयोग मतलब मिलन
और वियोग मतलब जुदाई। लेकिन प्रेम शास्त्र का ये नियम है कि विरह में भी मजा है, क्योंकि मिलन में तो प्रियतम सामने होता है, लेकिन विरह में तो सब जगह प्रियतम होता है, सब वस्तु में सब व्यक्ति में वही दिखता है। अधिक गुना याद बढ़ जाती है, अनुभव होता होगा, और विरह का जब अनुभव हो तभी संयोग का मिलन का सही मजा होता है। इसलिए लिखा गया है कि विरह बिना संयोग में रसवर्धन नहीं होता, न बिना विप्रलंबे न संयोग अश्नुते, बिना विप्रलंब के वियोग के संयोग का सुख या पूर्ण सुख नहीं ले सकते। और इसी इसी विप्रलंब इसी विरह रस जो सर्वोपरि है ब्रज का, पर किया रस और उसमें भी विप्रलंब विरह रस, तो इसका गोपियां आस्वादन उसी आस्वादन के तो कृष्ण चैतन्य बने। तो इस तरह हम समझेंगे कि ब्रज गोपी और बाह्य अंतर से तो कृष्ण दूर हुए ही नहीं, ये भी उद्धव को दर्शन दिखा देती ब्रज की गोपियां आगे चलकर भक्तजन। तो ये प्रसंग में जब आगे बढ़ेंगे और आप लोग को आगे, फिर भी कृष्ण ने दुख तो दिया ना, दर्द तो दिया ना, लेकिन क्या करें। एक कवि की बात हमें याद आती है कि हमें उनका दिया हुआ गम भी अजीज है, हमें उनका दिया हुआ गम भी अजीज है, क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई चीज है। क्योंकि अब मेरे प्रियतम ने ही दिया है ना, तो चलो तोहफा समझ लेते हैं। और दर्द की जहां बात है तो प्रेमी लोग जरूर सुने। एक प्रेमी कहता है कि दर्द की भी एक अपनी अदा है, दर्द की भी एक अपनी अदा है। ये उस दर्द की अदा क्या है, तो कह रहे कि जो उसे सहना सीखे उसी पर ये फिदा। दर्द की भी एक अपनी अदा है और जो उसे सहना सीखे उसी पे ये फिदा। लेकिन कितना ही दर्द आए, लेकिन कहते ना गोल्ड को जितना तपाया जाए ना उतना ही चमकता है, ऐसे वैष्णव कृष्ण प्रेम में जो होता है, कितना ही कष्ट कितना ही हो लेकिन कृष्ण प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है, बढ़ता रहता है। शबनम गिरे पत्ते पर, पत्ते नर्म नहीं होते, चाहे लाख जुदाई हो साजन से, मोहब्बत कम नहीं होते। मोहब्बत कम नहीं होती अगर सच्ची है। भगवान श्री कृष्ण और गोपी जनों का ये शुद्ध जामुनद है, चैतन्य चरितामृत के अनुसार शुद्ध प्रेम है, जो किसी छोटी मोटी जुदाई से कम नहीं होता, उल्टा और सुनामी की तरह बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये आध्यात्मिक जगत के शुद्ध प्रेम का प्रकरण है, और हम लोग तो अभी वो अनुभव भी नहीं है और अनुमान भी कुछ नहीं है, लेकिन आचार्यों की वाणी को केवल बस श्रवण कीर्तन करके अपने वासना कामना आदि दुर्गुणों को धो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इस प्रेम पदार्थ को पाने का। तो जैसे ये प्रेम तत्व या भक्ति तत्व या कृष्ण तत्व रस तत्व, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के शब्दश घाट पर सुना दिया। रस तत्व प्रेम तत्व कृष्ण तत्व रस तत्व प्रभु सिखाईला सर्व सिद्धि सब सिखा दिया उधर, लेकिन ये पंडितों के लिए भी अवर्चनीय है। जैसे ब्रह्म अवर्चनीय है, ज्ञानी लोग कहते ना माया दुरत्या अवर्चनीय है, लेकिन हम लोगों के लिए कृष्ण के लिए कुछ भी अवचनीय नहीं। वदताम वरद सर्वज्ञ है, लेकिन जहां गोपियों की ये दशा की बात है तो कृष्ण के लिए भी गोपियों की ये प्रेम दशा अवचनीय है। इसलिए भगवान भी मौन होकर रोते रहते हैं, याद हे राधे ब्रज देवी के कौन कियो अपराध तिहारो, काटी दियो ब्रज मंडल से कछु और दंड रहो अति भारो। ये सब ब्रज के सवैयाओं में ये बात आई है। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि प्रत्यागमन संदेशे बल्लभ्यो में तदात्मिका बल्लवी। देखो ब्रज के गोप को बल्लभ कहते हैं और गोपियों को बल्लवी, ऐसे साहित्य के अनुसार बल्लवी क्रीपर को कहते हैं, लता को बल्लवी, लता वल्लरी, आपने शब्द बल्लरी या बल्लवी सुना होगा,
वल्लवी मतलब लता, जो जो एक पेड़ के सहारे, एक पेड़ के आश्रय से ही बढ़ती है। और कृष्णा कल्प वृक्ष है और ब्रज की लताएं, ब्रज की गोपियां लताएं। वो चतुर्भुज जी ने लिखा है ना वो भजन, रसिकनी रस में रहत गड़ी। वृषभानु नंदिनी के भी और राधा कृष्ण के मिलन में कहते हैं कि कनक बेली श्याम तमाल चढ़ी। राधा रानी मानो कनक सुवर्ण सप्त कंचन है और श्याम तमाल के वृक्ष जैसा कलर है, तमाल वर्णम त्रिभुवन कमलम विष्णु स्तुति। तो तमाल वृक्ष पर जैसे कोई लता, ऐसे कृष्ण खड़े हैं और राधा रानी उनको गलबाई देके जब आलिंगन करके मिलन होता है राधा कृष्ण का, तो उसका वर्णन है कि ऐसा लग रहा है कि तमाल वृक्ष को सोने की लता ने आलिंग लपेट लिया। ये वृक्षों में आप देखते होंगे नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में कि ये जो क्रीपर लताएं होती वृक्ष को ऐसे गोल 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 करके बढ़ती रहती। तो बल्लवी मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि वो मेरी बल्लविया है, मतलब मेरी प्राण प्रिया है। बल्लभ शब्द का अर्थ है प्रिय और बल्लभी मतलब प्रिया है ना, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम गौण बाह्य अर्थ भी करें तो लता के अर्थ में तो कृष्ण कल्प वृक्ष है और एक वाक्य के विश्वास पर वो प्राण धारण की हुई है, अपने को कैसे भी जीवन रखी है। और लता जैसे वृक्ष के सहारे बढ़ती है, चलती है, रहती है, ऐसे हे उद्धव वे ब्रज की बल्लविया मेरे ही भरोसे, मेरे ही वाक्य पर विश्वास रखे, मेरे आश्रय की मैंने कहा था मैं आऊंगा उसी पर प्राण धारण की है। क्यों? क्योंकि मदात्मिका, क्योंकि वो अपने मन वाण आत्मा का आत्मा रामस्य मुनियों के अनुसार बहुत अर्थ हो जाए, तो मन बुद्धि वाणी और प्राण से वो मेरे में ही मुझे ही समर्पण कर चुकी है। तो ऐसी ब्रज गोपिया, और इस पर हमें एक साधारण बात भी समझ लेनी चाहिए कि कृष्ण से संबंध हमारा शाश्वत सनातन नित्य है, मिटने से भी मिटने वाला नहीं है किसी का। और इस संसार में जो भी संबंध मांग लो सब नश्वर झूठे क्षणिक है, टिकने के लिए कुछ भी कर लो टिकने वाले हैं नहीं, एकदम फैक्ट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ इसको कहते हैं। तो फिर इसीलिए इस संसार में टिकाने के लिए हमको रजिस्ट्री करनी पड़ती है, जैसे स्त्री पुरुष शादी करते हैं तो फिर पासपोर्ट होते तो बोले रजिस्ट्री कराओ कि हम मैरिज सर्टिफिकेट निकालो, और उसके बाद भी अंदर से जुड़े हो जाते। लेकिन कृष्ण की प्रिया पत्नी बनने के लिए कोई रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं होती, जैसे यहाँ किसी के पुत्र बनने के लिए उसके गर्भ में रहना पड़ेगा, उसके पेट से जन्म लेना पड़ेगा तभी माना जाएगा इसका पुत्र है। लेकिन भगवान को पुत्र मानने के लिए भगवान को पेट से ही जन्म दिया जाए जरूरी नहीं। तो इस तरह कोई भी प्रबंध हो, कोई रजिस्ट्री की कोई, क्योंकि वो नित्य शाश्वत सनातन संबंध है और वो भाव से प्रकट हो जाता है, रस से। तो ये आप लोगों को, हम लोग को समझना चाहिए, आप भाव पर भगवान भाव गिराइए। आप मान लो कि मेरे सखा है, मेरे मित्र है, मैं उनका दास हूं, मैं उनकी प्रिया, जो भी संबंध जिस रस, अगर आप भाव में रहकर भजन भक्ति करो शुद्ध हो जाओगे, भगवान को पूर्ण कर, और कोई रजिस्ट्री की जरूरत है। तो ये नित्य और क्षणिक में ये अंतर, यहाँ क्षणिक होने के कारण कितना टिकाने के लिए प्रयास करते लेकिन फिर भी, और एक दिन मृत्यु के समय तो अलग होना ही है ना, लेकिन आत्मा का ममे वांशो परमात्मा के साथ जो सनातन संबंध है वो नित्य शाश्वत है। कितने जीव शरीर बदल ले लेकिन वो संबंध मिटने वाला टिका रहता। तो ये दिव्य बात है। और भगवान देखो अवध में राजा राम सरकार, तो वहां विनय करनी पड़ेगी, हनुमान जी करते दास। लेकिन ये कृष्ण है, और कृष्ण भी द्वारिका में है तो पति है, वहां परिणय होता है, रुक्मणी द्वारिका से विवाह होता है, मतलब विवाह की राजधानी हमको कोई पूछे ना मैं द्वारिका ही कहता, क्योंकि विवाह मतलब इतना सारा क्वांटिटी में क्वालिटी के साथ एक साथ विवाह हुआ हो तो द्वारिका। 16,100 मंडप लग गए और 16,100 कृष्ण, 16,100 वसुदेव, सब 16,100 का सेट बना दिया, तो बड़ी वैभव ऐश्वर्य था। तो विवाह की राजधानी हमारे ठाकुर जी की, लेकिन वहां परिणय होता है। लेकिन वृंदावन में भगवान पति नहीं है, प्रेमी है, यहाँ प्रणय होता है। तो कहीं परिणय कहीं प्रणय,
कहीं भी नहीं अनु नहीं, भगवान के स्वरूप, भगवान के भक्तों के भाव, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें पूर्णतम प्रकाश ब्रजेंद्र नंदन जो प्रिया प्रियतम माधुर्य रस में या साख्य वात्सल्य कोई भी रस हो जो ऐश्वर्य गंध शून्य पूर्ण माधुर्य के साम्राज्य में सत्ता में रहता है उस रस में स्थित होने का अवसर दिया। अगर हम रूप गोस्वामी के बनाए हुए नियम कानून अनुसार भक्ति करें, उत्तमा भक्ति जो रूप गोस्वामी ने कहा, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो हम उसको प्राप्त कर सकते। इसीलिए बहुत बड़ी ऊंची वस्तु ऊंचा विषय यहाँ है और हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए। इस तरह भगवान ने जब कहा उद्धव से तो सुखदेव जी सुना रहे हैं। आइए सातवें श्लोक में श्री शुक उवाच क्या कहते हैं, इति उक्त उद्धवो राजन् संदेश भर्तुरात्रिक आदाय रथमारुह्य प्रययो नंदगोकुलम् प्रययो नंदगोकुलम्। श्री भक्ति रस से भरे हुए सुंदर कृष्ण जैसे दिखने वाले श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे राजन, देखो परीक्षित को यहाँ राजन कह के बोला। इति युक्त उद्धवो संदेश भरद्वाज, हे राजन, इस प्रकार उद्धव जी को संदेश सुनाया और उद्धव भरत मतलब स्वामी को आदर देते हुए मतलब उसकी बात उसकी आज्ञा को मानते हुए रथम आरुह्य उस संदेश को लेकर संदेश आदाय रथम आरुह्य रथ पर सवार होकर प्रययो प्रकृष्टेन ययो गए कहां नंद गोकुलम नंद बाबा के गोकुल में गए। ये उसका हो गया अन्वय के अनुसार हिंदी अर्थ बाबा सरल ट्रांसलेशन। लेकिन अब देखिए चलिए शब्दों के जंगल में क्योंकि वही मंगल है। हमारे तुकाराम महाराज ने एक अभंग में लिखा है महाराष्ट्र भाषा में कि शब्द मुड़े दंगल, क्योंकि शब्द आहे जंगल और शब्द मुड़े मंगल, शब्द का एक जंगल है और शब्दों से ही दंगल होता है, लड़ाई हो जाती है और शब्दों में ही मंगल है, श्रवण मंगल गोपी की है ना। तो ये शब्द हम लोग ये भागवत के शब्द का चिंतन कर रहे हैं और भागवत के शब्द भगवान के स्वरूप है। राजन मतलब सुखदेव जी कह रहे हे राजन, राजते की राजन जो चमक रहा है तेजस्वी है, कृष्ण कथा सुनने की जो प्यास है और इसके लिए पवित्र परीक्षित उन सभा के मध्य चमक रहे तेजोमय विग्रह पांडव वंश परीक्षित का, इसलिए हे राजन। और जब कृष्ण ने सुखदेव जी ने सुना कि कृष्ण इस तरह गोपियों की बात कर रहे हैं कि प्रेम में विरह में भाव में डूबी हुई है, तो मानो परीक्षित को भी प्रेम भाव हृदय में प्रकट हो गया और वो समाधि में जाने लगा। इसलिए समाधि से जगाने के लिए, किस समाधि से, भाव समाधि से, प्रेम समाधि से, हमारी तरह नहीं, हम लोग भी कथा चालू होते ही सीधा नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते, वो वाला नहीं। परीक्षित कथा सुन के उस कथा लीला में उनका प्रवेश होने लगा चित्त का और इस बात को देखकर कि भाई ये तो प्रेम समाधि में चला जाएगा, सुखदेव जी ने सोचा भाव समाधि में चला जाएगा, इसलिए परीक्षित की प्रेम भाव की समाधि को तोड़ने के लिए उसको सावधान करने की कहा, राजन मतलब परीक्षित, हाँ हाँ बोलिए बोलिए राजन इति उक्त्वा, और ऐसा तुम्हारा क्या हाल हुआ, क्योंकि ऐसा होगा क्यों, क्योंकि तुम राजा हो और तुम जब राजा के भी मंत्री को या अनुचर सेवक को आदेश देता है ना तो मंत्री अपना कर्तव्य करके सब कुछ छोड़ के करता है। तो यहाँ पर भी कृष्ण स्वामी है और उद्धव उसके मंत्री है, उद्धव मंत्री बोल आया था ना श्लोक में दृष्टिना प्रवरो मंत्री, और सखा भी है दैत भी है और अभी सेवा का काम करने जा रहा,
तो तुमको ये प्रसंग सुन के तुमको तुमने भी कई बार आदेश दिए होंगे, राजा हो तुम भी मंत्री किए होंगे, इसलिए तुम इस बात को जरूर समझोगे कि मंत्री या सेवक अपने स्वामी का राजा का आज्ञा कैसे सुंदर तरीके से पालन करता है, इस भाव को तुम जरूर समझोगे। राजन कहने के पीछे ये भाव कि हे राजन, जैसे राजा का हुक्म मंत्री मानता है, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र स्वामी का आदेश ये मंत्री उद्धव या सेवक जो भी भाव आप लीजिए वो निश्चित माना उसके अनुसार किया, इसलिए तुम इसको ध्यान से सुनो हे राजन। और आप सभी वैष्णव भी ध्यान से सुनिए, और 10-15 मिनट है हम लोगों के पास। तो एक प्रश्न होता है, कई भाव इससे लिखे गए, कोई चिट्ठी भेजे थे क्या, जैसे गौड़ीय परंपरा और ब्रज की कई परंपराएं इस बात को मानते कि लिखिया पतिया चिट्ठिया भेजे थे, और हमारे आचार्यों के ग्रंथों की लेखनी में हमें इतिहास मिलता है कि पत्ते पर लिखते थे पहले, वृक्षों के पत्ते, क्योंकि कागज कलम तो था नहीं, प्रेस प्रिंटिंग प्रूफ या ईमेल ईमेल कुछ लफड़ा भी नहीं था तो पत्तों पर, तो इधर क्या था। लेकिन देखो भागवत के अनुसार तो कृष्ण ने संदेश दिया, कोई कोई कागज कलम की बात नहीं हो रही है, अन्य अन्य सिद्धों ने भावों ने जो लीला दिखाई दी वो लिखी है, हम सबका सम्मान करते हैं, हम संकीर्णता में अपराध नहीं करेंगे किसी आचार्य का किसी परंपरा, लेकिन उदार मन से सभी जिस वैष्णव को जो भाव शुद्ध निर्मल परंपरा में प्रकट हुआ उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो हम हमारे आचार्यों को करते हैं। अन्यर आदर इष्ट देवे आराधना, ये हमारी गौड़ीय पॉलिसी है, निंदा तो किसी की नहीं, निम्न किसी को नहीं, अपराध तो हमें करना नहीं, और जो ऐसा करते हैं ऐसे भक्तों को प्रणाम करिए, हमसे थोड़े दूर ही रहिए, नहीं तो हमें फालतू में अपराध करना पड़े, भक्ति से हम वंचित हो जाएंगे। और ये अलग अलग रस भाव को, क्योंकि कृष्ण बृहद है अनंत है, उसको कोई एक मस्तिष्क एक व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा, और उसी के अंदर भी हम संकीर्णता में रह भी जाएंगे, इसीलिए आचार्य लेते हुए थोड़ी उदारता रखते हुए सबके प्रति रिस्पेक्ट आदर रखते हुए हम हमारे आचार्य को फॉलो करें और हमारी दी हुई साधना आराधना को हम निष्ठा पूर्वक करें, ये हमारा ट्रेक है। कभी कभी हम अपनी साधना बताई हुई नहीं करते हैं, हमारे आचार्य को भी नहीं मानते और दूसरे की निंदा करते रहते हैं अपराध, और इसी तरह हम रस से वंचित हो जाए, क्योंकि भागवत ने टिकट देते हुए व्यास जी ने पहले ही पास में लिख दिया निर्मत सराणाम सताम, जो ईर्ष्या शून्य है ऐसी व्यक्ति को ही भागवत में प्रवेश है। और निश्चित है कि अन्य आचार्यों की निंदा अन्य संप्रदाय की निंदा ईर्ष्या का ही कारण हो जाएगा, अभी नहीं है तो बाद में हो जाएगा, लिख लीजिए, इसलिए सावधान, हमें उस ट्रैक पे जाना ही नहीं है। एनीवे चिट्ठी लिखी होगी पतिया भेजी, लेकिन यहाँ संदेश दिया जा रहा है, भगवान उद्धव को प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, और ये भी सुखदेव जी संक्षेप में कह रहे हैं, इसमें आचार्य ने समझाया एक एक गोपी के लिए एक एक संदेश, और उद्धव इतने दयित है इतने सखा है कि कृष्ण के मनोभाव को बढ़िया से समझ लिए थे, इसलिए किसको कितना क्या कहना है वो उद्धव भी बड़े स्कॉलर थे प्रचारक, इसलिए वो भी कुछ उद्देश्य से लेकर आगे काम किए होंगे, तो ये सब उदारता से हमें समझ लेना चाहिए। और भर्ता का संदेश है ना, भर्तु आद्रित, उद्धव ने भर्तु मतलब स्वामी और भर्तु मतलब पति, भर्ता हमारी हिंदी में कहते ना भर्ता, भवानी भर्तु शिरसी, और केशव काश्मीरी के विषय में श्लोक गंगा या महत्वम जो बुलाया गया है वहां पर, तो भवानी भर्तु शिरसी वहां पर शब्द आया तो महाप्रभु ने खंडन किया था दोष बताया, तो भर्तु मतलब स्वामी पति, और यहाँ उद्धव उद्धव का हाथ पकड़ा मतलब पाणी ग्रहण हो ही गया है एक तरीके से, और इस तरह जैसे हमने कहा था सखी बाप, लेकिन ओके यहाँ तो स्वामी मान लीजिए पति नहीं, लेकिन हाथ पकड़ के कहा, और उत्सव भेज रहे मतलब कृष्ण मथुरा में रह रहे और अपने प्रिय सखा उद्धव को भेज रहे, उद्धव कृष्ण का प्रतिनिधि संदेश देने का है ना, तो जैसे आपको समझाने के लिए मंदिर में एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होता है अचल जिसको कहते हैं, और एक उत्सव मूर्ति होता है जो बाहर लिया ले जाया जाता है परिक्रमा कराई जाती है, उत्सव मूर्ति होता है कि नहीं,
तो मान लीजिए कि उद्धव कृष्ण की उत्सव मूर्ति है जो ब्रज में जा रहे और कृष्ण तो मथुरा में उनकी लीला को उसका अलग प्रयोजन उसको करना है। तो मानो भगवान कृष्ण अपने आप को ही भेज रहे उद्धव के प्रतिनिधि करके, दूसरा अपने ही स्वरूप रूप जैसा है, दूसरा अपना सखा स्वभाव संदेश बराबर देगा और इसको सुन के ब्रज में आनंद उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इसलिए उद्धव को भेज रहे, श्लेष अर्थ में उत्सव भेज रहे, और उद्धव बड़ा आदर करते। क्यों? क्योंकि उद्धव क्योंकि आदृत, आदृत मतलब कृष्ण में उनका आदर है, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। और प्रिय की प्रीति आज्ञा पालन नहीं है। देखो आप लोग के कम लोग कहते हैं भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, गीता को मानते हैं, प्रेम करते हैं, पूजते हैं, इसका मतलब है कि उसकी आज्ञा को आप प्रीति का जो प्रमाण है, प्रिय के प्रति जो प्रीति है वो प्रमाणित होती है उनकी आज्ञा का पालन करने में। हम अपने स्वयमानुशील न होगा, स्वयं अनुकूल होगा, कृष्णानुकूल नहीं होगा तो ये भक्ति नहीं होगी। और फिर कुछ बदनामी हो तो परवाह नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कहे बृहस्पति का शिष्य, वृष्णि वंशियों का मंत्री और एक सामान्य गांव की स्त्रियों को संदेश देने जाएगा, मान लीजिए कोई देवता या कोई मूर्ति तरह बातें करे संसारी लोग, तो बदनामी होगी, इतना बड़ा आदमी और इतना छोटा काम। लेकिन उद्धव कह रहे भर्तु आदृत, अर्थात मेरे स्वामी का आदेश, और इसीलिए बदनामी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपने प्रेमी का कोई भी काम हो छोटा बड़ा नहीं होगा, उसका काम उसकी सेवा हमारा सौभाग्य। आप भी मंदिर में सेवा करते होंगे गुरुजनों की, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। आरती उतारना भगवान की अल्टर में जितना महत्व का उतना ही पोता मारना भी महत्व का। लेकिन कभी कभी हम कनिष्ठ भक्तों को होता है कि नहीं सबके सामने मैं आरती उतारूंगा, मैं बड़ा भगत, और मंदिर में अंदर जो बर्तन मांजने होते हैं उसी डीटे के वाले, नहीं ये कोई देखता नहीं, नहीं तुम लोग मांजो, मैं सीनियर डिवोटी, ये सब अज्ञान है। एनीवे आप लोगों को ये सब नीचली बातें हमें करनी नहीं है, लेकिन ये सब रोग है, इससे मुक्त होना पड़ेगा हम लोग। देखो उद्धव जी कोई बात नहीं, कोई काम भगवान का, मंदिर का काम है ना सेवा, भगवान का काम है, गुरु ने बोला है, वैष्णव ने दिया है, इसमें छोटा बड़ा नहीं समझना। हमारा सौभाग्य लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म सेव्य मानव, हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, ऐसे ठाकुर जी की सेवा का हम तुच्छ को दास को ये अवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है, और बड़े आदर से करना चाहिए। यहाँ पर उद्धव जी आदर के साथ, अच्छा पैदल क्यों नहीं गए, तो यहाँ पर लिखा है रथम आरूह्य, रथ पे चढ़ के गए उद्धव जी। अरे भाई स्वामी का काम है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है कि नहीं बताओ। पैदल चलने में क्या तकलीफ थी? इसमें तकलीफ यह थी कि कृष्ण का संदेश, कृष्ण का स्मरण, उद्धव हमने पहले ही कहा कृष्ण का एकांत न पृष्ठ भक्त है, और वो चलने जाएगा और कहीं यमुना को देख के, वृंदावन देख के, या मथुरा को छोड़ते हुए कृष्ण का कोई भी भाव स्मरण आया वही समाधि लग जाएगी और घंटों बीत जाएंगे। लेकिन रथ पर होगा तो चिंता नहीं, वो भले समाधि में रहे, रथ तो चलता रहेगा है ना, नहीं तो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा। और दूसरा कृष्ण का संदेश देना है, व्रज को देखना है, व्रज गोपियों को देना है, इससे उत्तम श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं है। और वो जितना जल्दी हो, नीति है ना चाणक्य की, शुभ से शीघ्र, शुभ काम में देर, तो बताओ भगवान का संदेश देना और वो भी ब्रज में जाने को मिलना और वो भी गोपी भाव गोपियों को, इससे उत्तम कुछ है? तो इसके लिए क्या देर करनी चाहिए? इसलिए रथ पे चढ़ के गए, प्रचारक को फ्लाइट में भी जाना चाहिए, तो उपाय कहते क्यों, क्योंकि बहुत देर हो गई, दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे तुमको ऐसे, हमें हमारा काम करना। तो उद्धव जी रथम आरूह्य, रथ पे चढ़ के गए। चलो प्रभुपाद तो कहा था ना कि आप फ्लाइट में जो माया के लोग फ्लाइट में, उनको पकड़ने के लिए फ्लाइट में जाना पड़ेगा ना, नीचे से क्या उनको कृष्ण भक्ति देना है तो क्या, इसलिए बोलने वाले अपनी बुद्धि से कुछ भी बोले। रथम आरुह्य और प्रययो नंद गोकुल, प्रययो, प्रयो मतलब प्रक्रिया, अच्छी तरह से गए, मतलब संदेश धारण करके
और रस तैयार करके श्रृंगार सज के सब विषय विषय विचार करके प्रयो शब्देन किम अर्थम। मैं आपको एक एग्जाम्पल दू, लाइक अक्रूर, आपने अभी अभी अक्रूर मनोरथ सुना है ऐसा मेरे को जब मैं मिला, जैसे अक्रूर जी व्रज में गए थे रथ पर कंस के, और वन में चिंतन करते हुए गए थे, मनोरथ करते हुए ना कि मैं नंद बाबा से मिलूंगा, कृष्ण को देखू, द्रक्ष्यामि नूनम, वो सब श्लोक आपने सुना होगा। तो जैसे उद्धव जी भी जा रहे कि नंद बाबा को ये बोलना, तो प्लानिंग करते जाता है ना व्यक्ति, और व्रज में इसको मिलूंगा, इसको ये कहूंगा, ये उद्धव जी भी प्रयो मतलब विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, किससे कैसे मिलो, क्या कहूं, इस तरह प्रयो। और कहां गए, नंद गोकुलम। अब ये शब्द तो इतना सुंदर है, गच्छम देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी भी अलंकृतम। जैसे भगवान योग माया को बोलो वृंदावन में कहते हैं कि हे योग माया तुम ब्रज में जाओ, जन्म प्रकरण में, क्योंकि वो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना था ना दाऊ दादा को, बलराम जयंती आ रहा है अभी, तो समझिए आप बात भाव को। तो भगवान ने कहा था गच्छम देवी हे योग माया तुम ब्रजम ब्रज में जाओ, कथम भूतम ब्रज, ब्रज कैसा है, बोले गोप गोपी भी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, गायों से, सॉरी बंद हो गया, ओके, गायों से गोपियों से जो अलंकृत है ऐसे सुंदर ब्रज में तुम जाओ। अब ये तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे श्लोक यार, क्योंकि नंद बाबा के गोकुल की महिमा, पंचयोजन में वास्ती वनम में देह रूपकम, ये जो ब्रज वृंदावन है, गोकुल है भक्तों, ये तो कृष्ण का साक्षात शरीर है। भगवान ने कहा है कि ये जो 84 कोस ये जो है ना, वो मेरा ये वन है ना वृंदावन, ये गोकुल महावन, ये मेरा शरीर है, देह रूपकम मेरा ही शरीर, इसलिए तो धाम धामी में अंतर नहीं। और बहती हुई यमुना कालिंदी सुषमा सा परम अमृत वाहिनी, उसमें पानी नहीं अमृत बहता है, जैसे सुषुम्ना नाड़ी होता है शरीर में जो मुख्य, वो यमुना जी का बहुत बहुत यमुना जी के विषय में, ब्रज के विषय में बड़ी सुंदर महिमा है, आप लोग चिंतन कर ही लीजिएगा। यहाँ पर नंद गोकुलम शब्द आया, तो उद्धव जी मनोरथ करते हुए कृष्ण की आज्ञा को आदर देते हुए रथ पे चढ़कर गोकुल में गए। इसको एक कवि ने लिखा है हिंदी में, लेके उपदेश ओ संदेश पाना उधो चले, सुयश कमाई वे को छाउरगार में, उधो चल रहे हैं, उद्धव जी जा रहे हैं, चलिए हम लोग सब उद्धव जी के साथ चलते व्रज में, उद्धव जी के साथ, प्रेमी उद्धव, कृष्ण दयित सखा उद्धव जो व्रज गोपियों से मिलने जा रहा है, चलिए थोड़ा उनके साथ एक दो कदम हम भी चलते हैं। नैननी में नीर रोम सकल शरीर छायो, प्रेम अद्भुत सुख सुधिपरी बोलगे। उद्धव जी जैसे ही नंद गोकुल में प्रवेश किया ना रथ, वो ब्रज की रज उड़ी, और उस रज के साथ ब्रजवासी, और ब्रज ब्रजवासी मतलब केवल स्त्री पुरुष नहीं, पशु पक्षी पेड़ सब ब्रजवासी है, और उनको छूती हुई ये जो सुंदर समीर ये वायु उद्धव जी के अंग को लगी ना, उद्धव जी के आंखों से नीर बहने लगा। पंडित बृहस्पति का शिष्य भी सोचने लगा मेरी आंखों में पानी, लेकिन प्रेम तो पानी निकाल ही देता है। नैननी में नीर रोम रोम शरीर सकल छायो, और रोंगटे खड़े होने लगे, प्रेम के विकार रोमांच कंपा शुर तरंग भाजो, और ब्रज वृंदावन में एंटर होते ही उद्धव जी को होने लगा। अरे वृंदावन महिमा मृत में प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, यस्य प्रविष्टो सकलोपि जंतु सच्चिदानंद घनता मुपेति, ये दिव्य वृंदावन है जहां कोई भी जीव प्रवेश करने मात्र से सच्चिदानंद हो जाता है। क्या ब्रज की महिमा आचार्य ने लिखी है, भगवान स्वयं अपने श्री मुख से ब्रज वृंदावन की महिमा को गाए, पूरे संसार को आनंद देने वाले कृष्ण को वृंदावन आनंद देता है। विक्षा उत्तमा प्रीति राम केशव यो निपत,
वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानिच विक्षाद उत्तमा प्रीति राम केशव योनिप। भागवत में आया है ना, कृष्ण बलराम को भी ये गोवर्धन, ये वृंदावन, ये यमुना आनंद देती थी। तो और हमारे जिसका मैं प्राय जिक्र करता हूँ, हमारे गुरुदेव भी उसके बहुत चाहते, बहुत सुनाते थे उनके पद। जगन्नाथ रत्नाकर ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आए लोट लज्जित नवाए नैन उदो। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया ना, उद्धव का ज्ञान गरिमा का पर्वत चूर चूर होके गिर गया और नैना झुक गए। आए लौट लज्जित, जब लौटते हुए आए थे उद्धव जी वृंदावन से, तब की बात कह रहे हैं कि नैन नीचे थे उनके। सब सुख साधन को जतन लई, प्रेम पग छाके पग पड़त जहां के तहां, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन लई। ज्ञान गुदड़ी, आपने अगर वृंदावन यात्रा की हो, वृंदावन की परिक्रमा, एक स्थान आता है ज्ञान गुदड़ी, मतलब मानो उद्धव जी ज्ञान की गुदड़ी पहन के आए थे। मतलब इतना सारा योग, ब्रह्म, परमात्मा, में गोपियों का दुख दूर कर दूंगा ज्ञान, लेकिन ब्रज की कटीली झाड़ियों ने, कांटों ने ज्ञान की गुदड़ी फाड़ दी उद्धव। और उद्धव उदो, हमारे ब्रज के दोहा में लिखा है, उदो सुधो है गयो सिन सुन गो पिन के बैंग। उदो सुधो है गयो, मतलब चक्कर खा के गिर गया, सारा ज्ञान पानी हो गया उसका। उदो सुधो है गयो, क्यों हो गया? बोले सुन गोपिन के बैंग, गोपियों ने ऐसा सुनाया कि उद्धव जी सीधे ऊंधे हो गए पूरे। और क्या हुआ? बोले ज्ञान बजायो डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। ढोल देखिए बड़ा ढोल होता है, और डुगडुगी एकदम छोटी सी वो मदारी वाली। बोले ज्ञान, ज्ञान उद्धव जी का वो डुगडुगी जैसा था, और गोपियों का प्रेम मानो ढोल जैसा था। ढोलीदारो ढोल वागे, ऐसे गुजरात में हम लोग ढोल ढोल की तरह, मतलब बड़ा हो गया उद्धव जी का। एनीवे, अन्य अन्य आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहूँ भक्तों, तो ब्रज के प्रेमी लोग कहते हैं कि यह ब्रज वृंदावन वो धाम है जहाँ सकल लोग चूड़ामणि भी मुकुट झुका के चलते गोकुल की गली। योगेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, जिसको वेद कहता है, वे भगवान भी गोकुल की गलियों में जहाँ उद्धव जी पहुंच रहे हैं, वहां मुकुट झुका के, नैना झुका के चलते। गोकुल के गांव की गली में पग धरत ही, भूमि के प्रभाव भाव और भरी बे लगे। वो ब्रज भूमि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उद्धव जी के रोम रोम में भाव प्रकट होने लगा, क्योंकि ये गोकुल की गलियां है भाई, जहां पर राधा रानी के चरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ ब्रज की गोपियों के चरणों की रेणों से मंडित ये ब्रज भूमि, जिस भूमि को कृष्ण ने चाटा है, जिस माखन को है ना मिट्टी खाई लीला, जिस भूमि को भगवान ने अपने जीभ से चाटा है, उस भूमि से कभी गद्दारी नहीं, उस भूमि को कितना पूजना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। सूरदास जी ने लिखा, रेणु तन मंडित मुख दधि लिपटाए, भगवान उसी रेणु में लौटे हैं, बड़े हुए हैं इसी ब्रज की रेणु में। और आज उद्धव जी को वो रेणु उड़ रही है, वो रज उड़ रही है। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसत मधुर स्थली के, राधा चुन्मुख मत्त खगावली, राधा यशोन्मुख मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमते मनो में। राधा रस सुधा निधि का ये श्लोक। तो भगवान कृष्ण भी जिस ब्रज की रज में लौटते, क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता है कि इसी गली से मेरी राधा गई है, और राधा के चरणों की रज को मैं अपने तन पर लगाकर अपना सौभाग्य वर्धन करना चाहता हूँ। इसलिए कृष्ण भी ब्रज में लौटते रहते हैं, और ऐसे ब्रज में आज उद्धव जी पहुंचे हैं। तो पहुंचते ही क्या हुआ, कवि लिखता है, ज्ञान मार तंड के सुखाए मन मानस को, सरस सुहाए घन श्याम करी बोल गे। अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, ज्ञान मार तंड के सुखाए मन मानस को,
उद्धव जी के पास बहुत सारा ज्ञान था, और ज्ञान मार्तंड, सूर्य को मार्तंड कहते हैं। आपने अगर नाम सुना हो मार्तंड, उसकी भी एक कथा है। मार्तंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सूर्य गर्भ में थे और उस अंड को मार, उसको मत मार, उसको श्राप मत दो, कश्यप अदिति के प्रसंग में। वो एक अलग कथा है, मार्तंड सूर्य का नाम पड़ा, मतलब सूर्य को मार्तंड कहते, आदित्य कहते, भास्कर कहते, रवि कहते हैं, बहुत सारे नाम सूर्य के। तो सूर्य क्या किया, ज्ञान रूपी सूर्य ने उद्धव जी के मन सरोवर को सुखा दिया। लेकिन जैसे ही ब्रज में हुए तो ब्रज की गोपियों का वो प्रेम रस वातावरण मानो घनश्याम, जैसे सूर्य के तपे हुए धरती पर जैसे बादल गरजते तो कितना ठंडक, शीतलता, हरियाली छा जाता, ऐसे उद्धव जी का ज्ञान जो सूर्य था उसके कारण उसका मन सरोवर जो था वो सूख गया। लेकिन उस पर घनश्याम की बादल गोपी प्रेम की वर्षा होने लगी। ये ब्रज की एंट्री है। आए हो सिखावन को जोग, मथुरा पे तो पे उद्धव जी वियोग, वचन बरताओ ना। अलग अलग कवियों ने क्या क्या लिखा है, अब क्या क्या सुना है आप भक्तों को, लेकिन आप समझिए हम आपको यात्रा करा रहे हैं कि वृंदावन जाने का ये प्रभाव उद्धव जी पर पड़ा, क्योंकि उद्धव ये वृंदावन ये गोकुल किसका है, नंद का है। नंद यति की नंद, सबको आनंद दे, सुख दे, से नंद कहता है। और ये नंद बाबा का गोकुल है, और उसमें जाते ही उद्धव जी की ये स्वाभाविक दशा हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्राप्तो नंद ब्रज श्रीमान, निम्न लोच की विभावसो, छन्नयान प्रविशतां पशुना कूर रेणुगी। तो सब व्याख्या तो नहीं होगी भक्तों, लेकिन संध्या हो गई। प्राप्त नंद ब्रज, नंद के ब्रज में प्राप्त जब गए श्रीमान, उद्धव जी क्या थे, श्रीमान, श्रीमान मतलब सुंदर, उद्धव जी ने सुंदर आभूषण वस्त्र पहना था। सनातन गोस्वामी लिखते कृष्ण आगत ही दिया, कृष्ण जैसे ही लगा, और श्रीमान मतलब स्वभाव से भी सुंदर, और ऐसे सुंदर श्रीमान अलंकारों से, आभूषणों से, और कृष्ण कथा संदेश लेकर आए थे इसलिए भी सुंदर थे, श्रीमान थे। निम्न लोचती विभावसो, विभावसो अग्नि को भी कहते, सूर्य को भी कहते, निम्न मतलब सूर्य अस्त, निम्न मतलब सारे साधु लोग ध्यान में, समाधि में, संध्या वंदन में, निम्न लोचती जो सबकी आंखें संध्या में लगा, संध्या हो गई मतलब सूर्य अस्त हो गया। छन्न यान प्रविशता, और इतनी ब्रज रज उड़ रही थी वाता कि उद्धव जी का रथ पूरा ढक गया उस रज में, दिखाई नहीं, जैसे बहुत सारी रज उड़ती तो वस्तु दिखाई नहीं दे। और पशुराज फुल रेणु भी, ब्रज की जो गाय है, सांड है, वो सब ब्रज गायों की खूर से इतनी रज उड़ी कि उद्धव जी का पूरा रथ ढक गया, दिख नहीं रहा था उद्धव जी और उनके रथ। और इस तरह संध्या समय उद्धव जी ब्रज में पहुंचे। मैं एक लाइन में पूरा कर दूं इसको, तो यह है भक्तों, पाए लेकिन उद्धव जी को ब्रज में पहुंचा संध्या के समय। तो क्या हुआ, अब इसका मतलब है कि ज्ञान का सूर्य अस्त हुआ और प्रेम का चंद्र खिलेगा। उद्धव जी ब्रज में गए तो ज्ञान का सूर्य अस्त हुआ, और सूर्य अस्त होता है तो कौन खिलता है, चंद्र, मतलब प्रेम का चंद्र खिलने वाला है उद्धव जी के, क्योंकि गोपियों का प्रसाद मिलने वाला। नंद बाबा ने बहुत सुंदर स्वागत किया, भोजन कराया, बिठाया, और फिर नंद और उद्धव की सुंदर चर्चा हुई है जिसमें कृष्ण कथा बरसती है। तो इस तरह सुखदेव जी परीक्षित को ये सब सुना रहे हैं। धन्यवाद आप सभी वैष्णवों को, विशेष धन्यवाद और अभिनंदन हमारे भागवत महाविद्यालय के टीम को कि मुझ दास को ये वाणी सेवा का सौभाग्य दिया। कुछ त्रुटि हो तो आप भक्त लोग सुधार लेना, अपना समझ के क्षमा करके आशीर्वाद दो कि हम भी प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु की भागवत वैष्णव सेवा में लगे रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कुंडल कृष्ण प्रभु, कुंडल कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, कुंडल कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। आपने अपना कीमती समय दिया हम इस कथा के लिए, इस कथा के लिए। वास्तव में मैं रोज तो नहीं सुनता क्योंकि मेरे अपने भी क्लासेस चल रही थी, लेकिन मैंने आज थोड़ा समय के लिए सुना है आपको प्रभु हृदय। आपने तो आपने बहुत अप्रतिम और अद्वितीय जो आपने व्याख्या की है उसके लिए तो मुझे आपके आभारी हूँ। और ब्रज
ब्रज के विषय में, जो ब्रज की यात्रा आपने कही प्रभु, ये सब हम सबको वास्तव में, जैसे अखरूर जी का मनोरथ हो या हम सबको ब्रज की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन जो हमें, जो लोग ब्रज में रहते हैं उनके लिए भी ये कथा बहुत आवश्यक है। ब्रज के जाने के लिए, ब्रज ब्रज धाम को प्राप्त करने के लिए तो कथा निश्चित आवश्यक है, क्योंकि उससे भगवान के लिए प्रेम होता है, धाम में जाने के लिए उत्सुकता होती है और लोभ होता है, तब लोग धाम में आ जाते हैं। लेकिन धाम में आने के बाद कृष्ण कथा ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग सारे अपना बिजनेस बिजनेस सब छोड़कर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कृष्ण कथा कम होती है, बाकी सारी चीज ज्यादा होती है। तो ये वहां का कथा रस में और आनंद और प्रेम रस बढ़ जाता है, वहां आपने जहाँ लीला हुई वहीं पर कथा हो तो उसमें और कृपा मिलती है। अच्छा भाव है आपका। यहाँ पर रहकर अधिक से अधिक कथा, हम लोग गिरिराज जी में रहते हैं तो बार बार परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन भक्त लोग यहाँ पर नहीं आते तो हम लोग को कथा करने का अवसर बहुत कम मिलता है। अभी तो लॉकडाउन खुल गया है तो भक्त लोग आएंगे, तो आशा करते हैं गिरिराज जी कृपा से गिरिराज जी की महिमा को कहने का अवसर भी प्राप्त होगा, और आपके श्रीमुख से भी अवसर प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा, इसलिए हम आपको बहुत भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं कुंदल कृष्ण प्रभु। हमारा सौभाग्य था कि हमने आपको बुलाया और आपने स्वीकार किया, सहजता से स्वीकार किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता इतने सहजता से आपने स्वीकार किया, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, कृष्ण कथा किया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत आप धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो आपको है कि आप वहां रहकर भागवत विद्यापीठ चलाते और इतने भक्तों को भागवत में प्रेरित करते हैं। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे ब्रज सुंदर प्रभु, उनकी पूरी टीम प्रयास कर रही है कि इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है और ये सुमद भागवत जो परम धन है वो सबको मिले, वैष्णवों को। इसलिए आप सभी इनको हेल्प करिए, क्योंकि गोवर्धन में रहकर और भागवत भक्तों को सिखाना उनके लिए बहुत सारा तन मन धन निष्ठा सब लगता है, और प्रभु जी ने ये बीड़ा उठाया है, और इसलिए हम सभी भक्त प्रयास करेंगे प्रभु जी को साथ देने का सभी ओर से, तन से मन से धन से, ताकि ये भागवत की परंपरा, ये भागवत का कथा सब भक्तों को मिले और सब भक्तों की भक्ति बढ़े। तो धन्यवाद के पात्र को ब्रज सुंदर प्रभु, क्योंकि गिरिराज में ही रहते हैं ब्रज में, और वहीं रहकर गिरिराज की सेवा, भक्तों की सेवा, भागवत की सेवा करते हैं, और उसी के प्रसाद स्वरूप आगे विश्व में सबको भागवत मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद की जीवन की अंतिम इच्छा थी कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूं, अपने शिष्यों को कहते रहते थे, अनायास नहीं कर पाए, लेकिन फिर तो गिरिराज भक्त भी है और भगवान भी है, हरिदास वर्य है, और चेलो अस्मी, भगवान ने कहा मैं ही गोवर्धन हूँ, तो मतलब सब भूली, मतलब वो सब भोग खा लिए। तो ऐसे हरिदास वर्य की शरण में प्रभु जी है, और हम सब भक्तों को गिरिराज जाना चाहिए, और हमारे भागवत विद्यालय वहाँ हो रहा है, और कुछ प्रयास भी प्रभु जी कर रहे हैं कि कुछ आगे और भक्तों के लिए जमीन हो, घर हो, सुविधा हो, ताकि भक्त लोग रहे, भागवत पढ़े, आगे बढ़े। हम सब भक्त प्रभु जी को प्रयास करेंगे जितना जिससे हो साथ देने का, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, इस ग्रेस को कृष्ण प्रभु की जय, प्रभु पाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने आपने गोपी शब्द का अर्थ बताया था एक जगह। हाँ काई का। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे उसको। हाँ, मैंने दो अर्थ बताए थे कि गोपानाम अर्थ, जो गोपी प्रेम को गोपन करे, छुपा के रखे दिल में, किसी से कहे, एक आज बताया। हेलो, इंद्रिया और हाँ, का कृष्णा रस पीती है, तो गोपी शब्द थोड़ी देर बाद फोन कर जाए, थोड़ी देर बाद। हरे कृष्णा, कीजिए अपने आप को। तो ओके माता जी, गोपी शब्द का आते जो कृष्ण प्रेम को रोम रोम में छुपाए रखी है, और प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम रस ही पीती है, इसको कहते हैं गोपी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, मैंने ना वो यूट्यूब पे आपका वो डाल के वो किया था, लेकिन मेरे को मिली नहीं आपकी वो रिकॉर्डिंग। ओके, तो कुंडल कृष्ण दास ऑफिशियल माय चैनल है, तो उसमें होगा, कुंडल कृष्ण दास डालेंगे ना। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।